आपके साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए पुलिस डिपार्टमेंट को बेहद अफसोस है। मेरे लिए आंसू मत बहाओ, वो बोलो जिसके लिए आए हो। अभी अभी एक कत्ल हुआ है सर। किसी की मौत अब मेरे लिए खबर नहीं होती। वो खून आपने किया है। इस अच्छे काम के लिए तगमा लेकर आए हो? नहीं, हथकड़ी लेकर आया हूं। अगर आप अपना गुनाह कबूल कर लें। बहुत स्मार्ट लग रहे हो इंस्पेक्टर। मैंने फैसला किया है सर कि आपसे कोई भी गुनाह करके बच नहीं पाएगा, चाहे वो कोई भी हो। अब से तुम्हारा फैसला है, अब से, यानी पिछले तमाम गुनाहों को पुलिस डिपार्टमेंट ने ब्लैक मनी की तरह एडजस्ट कर लिया। ये खंडर देख रहे हो, हमारा घर था, स्वर्ग से सुंदर, एक परिवार था देवताओं की तरह, इंद्रधनुष के सातों रंगों में रंगी हुई एक खूबसूरत जिंदगी थी। ये कैसे शमशान बना, क्यों बना, कभी जानने की कोशिश की है? आज एक हत्यारे की मौत पर हथकड़ी लेकर मेरे सामने खड़े हो गए। सर, मेरे फर्ज ने आपका दिल दुखाया, इसका मुझे बहुत दुख है। सर, आप मेरे आदर्श हैं। जिस दिन मैंने ये वर्दी पहनी, मैंने हमेशा एक ही सपना देखा कि मैं आप जैसे पुलिस अफसर बनूं। मेरा यकीन मानिए सर, मैं आपके बहुत काम आऊंगा, जिंदगी से लेकर मौत तक। आप जरा सोचिए सर, कानून ने आपको अच्छा इंसान मानकर आपकी फांसी की सजा माफ कर दी और आप बाहर निकलकर कत्ल करेंगे? मेरी माफी में कानून का रहम नहीं, मेरी माफी में मेरी बेगुनाही है। मैं भी आपको चेतावनी देता हूं सर कि आज के बाद अगर राय परिवार का कोई भी सदस्य मारा गया तो आप जेल की सलाखों के पीछे होंगे। कानूनी तौर पर करेक्ट बोलो ऑफिसर, सिर्फ उनकी मौत होने पर तुम मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते, उनकी मौत में मेरा हाथ है, उसका पक्का सबूत चाहिए तुम्हें। आज के बाद कातिल की तलाश नहीं करना, सबूत की तलाश करना, क्योंकि कातिल तो हर हालत में मैं ही हूं। जाओ, आज की तुम्हारी ड्यूटी खत्म हो गई, जाओ।